दो मैक्सिमम दो चक्कर में ये पूरा का पूरा हार्वेस्ट हो जाएगा भाई, मैक्सिमम दो चक्कर में बस। हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग, सो वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले एपिसोड ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 2022। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमने अपना जो शुगर केन का फील्ड था वो पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर दिया था। बाकी गाइस उस फील्ड को हार्वेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोरेज हार्वेस्टर परचेज किया था, क्योंकि यार अभी तक ना मेरे पे कोई भी ऐसा टूल नहीं था जो यहाँ पर शुगर केन को हार्वेस्ट वगैरह कर पाए, तो मैंने इसलिए वो टूल परचेज किया था। बाकी गाइस वो टूल अपने को पड़ा था 600,000 यूरोस का। एंड गाइस देखो, जब हार्वेस्टिंग हो रही है तो अपने को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा ना मटेरियल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो ट्रेलर्स को भी परचेज किया था जो कि मेरे को हेल्प करते हैं सारा का सारा आइटम ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, फिलहाल के लिए गाइस अभी मेरे को यहाँ पे काफी सारी चीजें और परचेज करनी है जो कि मैं आज करने वाला हूँ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जाकर के लाइक कर देना एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक मैं आज की जर्नी को स्टार्ट करता हूँ, होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय फार्म। एंड चलो जल्दी से चलता हूँ, पहले ना आप लोगों को जाकर के अपना फोरेज हार्वेस्टर दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं यार काफी सारे लोग अभी नए होंगे जिन्होंने यहाँ पर हार्वेस्टर नहीं देखा होगा, तो मैं उनको जाकर के दिखा देता हूँ। बाकी पैदल ही चलते हैं, थोड़ा बहुत ना इनकी भी हेल्थ देखते हुए जाएंगे, यार क्या पता ये ठीक है या नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए तो यार ये ठीक ही दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखो गाइस कितना सारा वूल आ चुका है, एंड ये सारा का सारा ना वूल आज हम यहाँ पर सेल करने वाले। साथ ही साथ इधर की साइड पे भी काफी सारा वूल आया होगा ना। ओ भाई आज तो बहुत सारा वूल है गाइस, मतलब हमारे को काफी सारा पैसा मिलने वाला है। बाकी गाइस मेरी ना बेकरी में भी यार शायद से केक वगैरह तो आ ही गए होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर एक दो दिन स्किप करे थे। हाँ, यहाँ पे काफी सारे केक्स आ चुके हैं, एंड केक की अपनी क्वांटिटी है यहाँ पर 2,867 लीटर, तो इससे भी शायद से अपने को काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला होगा। देखते हैं भाई, अभी सेल करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी गाइज ये है वो हार्वेस्टर जो हमने लास्ट एपिसोड में परचेज किया था, एंड भाई कितना ज्यादा प्यारा है, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है ना सीरियसली। अभी मैं इसको चला करके दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये दोनों के दोनों ट्रेलर्स यहीं पे खड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट एपिसोड में मैंने रात में ही एपिसोड को एंड किया था, एंड उस टाइम पे ना काफी सारी फसल बच गई थी हमारी शुगर केन की काटने को ना, तो वो मैंने ऑफलाइन में बैठ के काट दी थी, एंड उसका सारा का सारा मटेरियल मैंने यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। कुछ मैंने रात को ही ट्रांसफर कर दिया था, कुछ मैंने सोचा यार रख देता हूँ उसको नेक्स्ट डे में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी ये थोड़ा सा आइटम है, इसको जल्दी से यहाँ पर मैं ओवरलोड वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद ये वाला ट्रैक्टर को यहाँ से हटाते हैं, फिर जो अपना फोरेज हार्वेस्टर के अंदर आइटम है उसको भी जल्दी से यहाँ पर डालते हैं। ठीक है भाई, आज बहुत सारा काम करना है। बाकी गाइस जो अपना यहाँ पे सारा का सारा आइटम था ना वीट वाला, यार वो खत्म हो चुका है, तो मेरे को वो भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाकर के, तो मेरे को कोई इसके लिए एक फील्ड परचेज करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। फिलहाल के लिए सर इसको यहाँ पे खड़ा करता हूँ और जल्दी से अपना पहले ना हार्वेस्टर लेकर आते हैं। एंड वीट को हार्वेस्ट करने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर यार एक टॉप लाइनर और ले लेता हूँ, क्योंकि अपने वाला यार बहुत स्लो चलता है, एंड अभी मेरे पास पैसे भी बड़े हैं तो मैं ले ही लेता हूँ यार, है ना, आज ले ही लेंगे आज कुछ भी करके। फिलहाल के लिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मुझे पता है थोड़ा सा जरा हैवी हो रही है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि पीछे ट्रेलर लगा हुआ है ना, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे लगाता हूँ, एंड ये लो यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको भी अनलोड कर देगा, और इस वाले हार्वेस्टर को लेकर चलते हैं, इसको ले जा करके अपने शेड में खड़ा कर दूंगा, और उसके बाद एक दो जरा फील्ड ढूंढते हैं जहाँ पर अपनी वीट उगी हुई मिल जाए। वैसे पता नहीं, अभी मेरे को मौसम तो मुझे लग नहीं रहा है कि यार अभी यहाँ पर वीट वाला चल रहा है, तो यहाँ पर शायद से अभी मेरे को वीट लगाने वाला मौसम मिलेगा, वीट उखाड़ने वाला तो नहीं मिलने वाला, बट ठीक एक बार चल के देखते हैं। ठीक है, पहले जरा मैं इसको ले आ करके घर पे खड़ा कर देता हूँ, उसके बाद जितना भी अपना आइटम है ना ये वूल वगैरह इसको सेल करके आते हैं गाइस। ठीक है, इसको सेल करके आते हैं। वैसे तो यार मैं सोच रहा था अपना सेलिंग पॉइंट बनाने का भी काफ़ी टाइम से, लेकिन सही बताऊँ अभी ना पैसा नहीं हो रहा अपने पे इतना कि मैं अभी एक वो बना लूँ। ठीक है, तो इससे कोई बात नहीं, फिर कभी बना लेंगे। बाकी इसको जरा मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ। ओए भाई 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 रुक जा आराम से, हल्का सा भाई, हार्वेस्टर है ना तो देखो हार्वेस्टर की तरह ही चलेगा, ट्रैक्टर की तरह तो नहीं चलेगा, लेकिन इसकी हैंडलिंग पता है और ट्रैक्टर इसके मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसको कहाँ पे रखूँ, इसको यहीं पे रख देता हूँ, रुको। ठीक है, ट्रेलर को, ट्रेलर की अपने को नीड नहीं है ना अभी, इसके जस्ट बगल में दूसरे वाला ट्रेलर आ जाएगा, यहाँ पे खड़ा करते हैं। एंड अभी गाइस ये वाला शेड जो है ना अपना, ये भी कम पड़ रहा है यार सीरियसली। मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़ा शेड बना लिया है, बट ऐसा नहीं है गाइस, ये भी शेड ना छोटा पड़ रहा है यार अपने को। तो ठीक है यार, अभी फिर कहीं पे जगह लेनी पड़ेगी मेरे को, देखना पड़ेगा फिर आइटम्स अपने जितने भी हैं ये, मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। बाकी इसको यहाँ पर लगाते हैं, देख रहे हो यार कितने बड़े बड़े टूल्स आते जा रहे हैं अपने। एंड इसका हेडर साइज बताऊँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड एक सेकेंड भाई, यहाँ पर मैंने सारी की सारी फसल काट दी थी, ये फसल वापस कैसे आई? एक सेकेंड भाई,
ये तो मैंने यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा करा था कि वापस से हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। मुझे लग रहा है शायद से जो अपनी शुगर केन होती है ना गाइस, वो अगर हम हार्वेस्ट नहीं करते तो वापस से उग जाती है। एंड यहाँ पे मैंने ना दोबारा से कोई भी सीड नहीं लगाई थी, सीरियसली ये वापस से उगनी स्टार्ट हो गई है यार। ये तो बड़ा सही हुआ यार, ये तो मेरे को बहुत सही लग रहा है। चलो ठीक है, तो अच्छी बात हो गई। अभी मेरे को ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा, तो इस वाले ट्रैक्टर को लेकर चलते यार यहाँ से ना। फिर ये ट्रैक्टर का काम है ही नहीं यहाँ पर। एंड मैंने दूसरे वाले जो फील्ड्स है ना गाइस, ये वाले रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने ऑफलाइन में बैठ के कल्टीवेट कर दिए थे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना वापस से वीट वगैरह उगानी है। तो देखते हैं अगर आज मौसम होगा तो वीट वगैरह उगा लेंगे, नहीं तो फिर वीट वगैरह कहीं और से तो लेकर आनी है मेरे को ना, तो वहां से ले आएंगे। बाकी यार अपना साइलेज खत्म हो चुका है, तो साइलेज वगैरह भी लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी चलेंगे जल्दी से और स्टोर से थोड़ा सा साइलेज लेकर आएंगे। वैसे साइलेज वहाँ पे पड़ा होगा, आप लोगों को याद ही होगा लास्ट एपिसोड में मैंने काफी सारा साइलेज खरीदा था। सारा का सारा साइलेज मैं यहाँ पर नहीं लेकर आया था, मैंने सोचा था धीरे धीरे करके ले आएंगे। मैं इकट्ठा करके आइटम जो है ना वो रखता रहता हूँ वैसे, तो इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। बाकी गाइस आप लोगों से यार मैंने पूछा था कि यहाँ पर मेरे को डीलरशिप वगैरह बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आप लोगों ने मेरे को बताया नहीं। तो यार मेरे को बताओ, मैं तभी यहाँ पर डीलरशिप वगैरह बना पाऊंगा, है ना। तो डीलरशिप के बारे में मेरे को जरूर से बता देना। बाकी इस वाले ट्रैक्टर को भी यहाँ पे लगा देता हूँ भाई। तीन ट्रैक्टर्स ये हो गए और एक अपना जियांट वाला ट्रैक्टर हो ही गया, जो अभी शायद से हाँ वहीं पे खड़ा हुआ है बेकरी पे ना, तो उसको भी लेकर आना है, तो उसको ले आते हैं जल्दी से। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे फील्ड्स वगैरह ढूंढने हैं कुछ, तो फील्ड्स वगैरह ढूंढेंगे ठीक है, और फिर वीट वगैरह हार्वेस्टिंग के लिए चलेंगे, है ना। वो भी यार जरूरी है, क्योंकि अपना जो चिकन कूप्स का खाना था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, एंड अपने को अंडे वगैरह नहीं मिल रहे अब। वैसे अंडे तो ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे पड़े हुए हैं, इसलिए अंडे लाने की जरूरत तो अभी नहीं है। बट ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अगर अपना काम चलता रहेगा ना तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, लिमिटेड आइटम डाला करूंगा हमेशा, सिलियों से निकाल के उनको खाना दूंगा, अंडे लूंगा, और जब उनका खाना खत्म हो जाएगा ना तभी डालूंगा। बेफालतू में इसमें पूरा का पूरा भर देता हूँ, डेज स्कीपिंग में चला जाता अपना आधा खाना तो ना। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे करेंगे अब की बार ना। बाकी इसको खड़ा कैसे करूँ, यहाँ पे जगह है, ये ट्रैक्टर घुसेगा भी यहाँ पर? एक तो इतना बड़ा ट्रैक्टर है ना भाई, सीरियसली हर कहीं पे जाता नहीं है ये, चला जाएगा मेरे हिसाब से। बड़ा आराम आराम से ले जाना पड़ेगा भाई, बड़ा आराम से जा रहा है भाई। ठीक है इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरे को कुछ भी लेकर नहीं आना है, मतलब सामान ना ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसलिए इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं। और इसको भी यहीं पे लगा दूं क्या? नहीं यार, इसको तो लेकर चलना है मेरे को, इसको लेकर चलना है। और एक सेकेंड, मेरा वो कहाँ है भाई ट्रेलर? अबे मेरा ट्रेलर कहाँ गया? आए भाई एक सेकेंड, मेरा ट्रेलर गायब है गाइज, यार मेरा ट्रेलर गायब है यहाँ से, यहाँ पे ट्रेलर ही नहीं है मेरा। मैंने ट्रेलर कहीं पे छोड़ा था क्या? याद नहीं आ रहा है मेरे को ट्रेलर का। हाँ, अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया भाई। मैं भाई ट्रेलर अब कभी नहीं छोड़ने वाला कहीं पर, ठीक है। ट्रेलर में एक्चुअली मैं उसको छोड़कर आया था स्टोर पे, ठीक है, मेरे ही दिमाग से निकल गया भाई सीरियसली ट्रेलर के बारे में। चलो फटाफट से चलते हैं, वैसे भी अपने को उधर की साइड पे जाना है, तो वहां से ट्रेलर भी लेकर आ जाएंगे और साथ ही साथ साइलेज भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अपनी गाय का साइलेज जो है वो खत्म हो चुका है। हे वगैरह पड़ी हुई है और स्ट्रो भी पड़ी हुई है, तो स्ट्रो वगैरह ये सब चीजें लाने की जरूरत है नहीं अपने को, बस जो आइटम खत्म हुआ है ना वो लेकर आएंगे। चलो गाइस फिलहाल के लिए आ चुके हैं हम, एंड जल्दी से यहाँ पर इसको कनेक्ट मार लेते हैं। और मेरे को अभी जो परचेस करना है ना, रुको अभी रुक के परचेस करेंगे, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से परचेस कर लेंगे। वैसे भी मेरे को आना तो है यहाँ पर, क्विक शिफ्ट मार लेंगे, क्योंकि हम तो जो हार्वेस्टर है कहीं से भी परचेस कर सकते हैं ना, उसके लिए शॉप पे आने की जरूरत तो है नहीं। फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ और इसको ऑटोमेटिक साइड पे डालना पड़ेगा यार पहले ना। ये हो गया ऑटोमेटिक, एंड एक सेकंड भाई स्क्वायर बेल है ना, हाँ ठीक है और इसको जल्दी से यहाँ पर लोड करना स्टार्ट करते हैं। इसको भी यहाँ पर लोड मारता हूँ मैं और हो जा भाई। अबे लोड नहीं हो रही है, ये तो गलत बात है यार। एक सेकंड, अगर मैं इसको ठोकर मारूं यहाँ पर, हो गई। भाई नहीं गिरना, एक सेकंड। अच्छा हाँ भाई, बिल्कुल एंड टाइम पे रुक गई, नहीं तो गिर जाती भाई ये सीरियसली। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? नो मोर स्पेस टू प्लेस न्यू पैलेट्स वूल एट शिप। भाई हमारे यहाँ पर जो शिप्स की थी ना, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो चुकी है गाइस, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन उन्होंने वूल का कर दिया है। तो अभी मेरे को वहां से वूल उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पर ना और वूल नहीं आ पाएगा, उसमें अपना ही घाटा है। तो अभी पहले मैं साइलेज जो है इसको ले जाकर छोड़ देता हूँ वहां पर, और उसके बाद ना वहां से वूल उठाते हैं, फिर वूल को छोड़ने जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डालते हैं साइलेज, एंड इसको भी ना थोड़ा सा स्मूथ करना है, रुको पहले मैं इसको स्मूथ मारूंगा आज, नहीं तो ना यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह मेरा खिंड जाएगा भाई रास्ते में, और प्रॉब्लम मेरे को ही होगी और किसी को नहीं होगी।
तो यहाँ पर पहले मैं जरा इसकी टिप साइड चेंज कर लेता हूँ। ये हो गई टिप साइड चेंज एंड इसको मारते हैं अनलोड। ठीक है, ये देख रहे हो साइलेज ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे सारा का सारा फिल हो गया। और हे वगैरह भी डालना है मेरे को, तो हे वगैरह भी डालते हैं। लेकिन उससे पहले ना जरा यहाँ पे थोड़ी सी स्मूथनेस डालता हूँ यार। देख रहे हो बहुत ज्यादा अजीब सा हो रही है वाली जगह, एंड इसकी वजह से ना प्रॉब्लम मेरे को काफी ज्यादा हो रही है यार। मैं सही से ना ट्रैक्टर को चला भी नहीं पा रहा हूँ भाई अपने यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को उसको स्मूथ कर ही देना चाहिए। काफी टाइम से सोच रहा हूँ बट दिमाग से निकल जा रहा था कहाँ गया भाई, सॉफ्ट टर्न वाला और स्मूथन वाला कौन सा था, स्मूथन वाला ये ना, ये वाला है। ठीक है, तो इसको स्मूथ मारते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ एंड इजिली हो जाएगा। ये देख रहे हो गया बस स्मूथ। कितनी देर लगी भाई, दो सेकंड का काम था एंड आई थिंक सो हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार चेक करके देखता हूँ, नहीं हुआ। देख रहे हो हल्का फुल्का हुआ है, मेरे को लग ही रहा था। एक्चुअली मैंने यार ये बिल्डिंग का एरिया है तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, बट चलो कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर ये है कि मेरे को ये सारा का सारा आइटम डालना है तो ये मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इनको उठा लेते हैं यहाँ से एंड इसको भी अनलोड मारना है मेरे को यहाँ पर, तो इसकी भी टिप साइड चेंज मारते हैं जल्दी से और इसको भी ना यहाँ पर उतार देता हूँ। ठीक है, सारा का सारा चला जाइए यार प्लीज़ एक ही बारी में। ऑलमोस्ट चला गया है मतलब, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वापस से लोड मार लेता हूँ एंड एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे करते हैं और थोड़ा सा आगे लेता हूँ मैं ट्रैक्टर को और इसको ना यहाँ पर उतार देता हूँ स्ट्रो को। स्ट्रो वैसे भी एक ही है इसमें ना, तो एक काम करते हैं टिप साइड चेंज करते हैं इसकी भी और इसको भी उतारते हैं। चलो ये हो गया। ठीक है, इसको वापस से लोड मार लेता हूँ मैं और इसको वापस उतारना पड़ेगा यार। ये ऐसे ही चलता है भाई काम यहाँ पे ना, आधा काम ऐसे ही चलता है गाइस। सीरियसली सामान उतारते रहो डालते रहो उतारते रहो डालते रहो। इसको मैं टिप साइड चेंज करके दूसरी साइड पे डाल देता हूँ, है ना। तो लो स्ट्रो भी डाल देते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए। इसकी भी टिप साइड चेंज करनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है यार, बार बार टिप साइड जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वापस से उठाते इसको, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ट्रैक्टर को एंड बचा कुछ अभी आ जाए तो अच्छी बात है। भाई अभी चले जा प्लीज़, इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो उसको फिलहाल के लिए वापस छोड़ते हैं। भाई यही करता रहूँगा मैं सीरियसली, आधा सामान डालो आधा सामान उठाओ, बस ऐसे काम अपना पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा। इसको वापस से ना यहीं पे छोड़ देते हैं और बाद में यहीं से उठा लेंगे इसको। और ये लो ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल के लिए जा करके जितना भी ये वूल है ना इसको छोड़ कर आते हैं गाइस। उसके बाद जाएंगे हम एक हार्वेस्टर लेने। ठीक है भाई, देखना इतना बढ़िया सा हार्वेस्टर परचेज करेंगे ना आज। अभी पैसे कितने हैं मेरे पे, 16 लाख यूरोज है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हार्वेस्टर तो आ जाना चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑटो लोडिंग सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑटो लोड मारता हूँ। ठीक है, मुझे लग ही रहा था अंदर जाना पड़ेगा, फिर से घुमा के लेकर आता हूँ उसको। फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। ओए पागल हो गया क्या, देख के चला ले गाड़ी। ठीक है, गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगा तेरी, वैन का ना मैं वैगन आर बना दूंगा। वैगन आर से भी बकन्ना बनेगा भाई इसका तो। एक सेकेंड, इसको वापस से यहाँ ले आता हूँ मैं एंड ऑटो लोड पर डालते हैं। ठीक है भाई, प्लीज़ एक ही बारी में आ जाइयो, प्लीज़ 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 आ जा, प्लीज़ आ जा। जान पूछ के घुसाना पड़ रहा है गाइस मेरे को, देख रहे हो, ताकि ये सारा का सारा वूल उठ जाए यहाँ पर। चलो अभी सारा का सारा वूल आ गया और इसको भी वापस से लॉक मार देते हैं। ठीक है, हो गया चलो अपना काम। बाकी भाई अपना ट्रैक्टर तो बहुत पावरफुल है, कुछ भी कहो। देख रहे हो कैसे चढ़ रहा है भाई, वो कैसे चढ़ रहा है। भाई साहब वो तेरे की, ओ भाई आराम से यार, मैं नहीं चाहता यार पलट जाए यहाँ पे, पलट गया ना तो मेरी दुर्गति हो जाएगी एक सेकंड में। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ के आना है बस, तो सामने वाली जगह पर चलते हैं, वहीं पर मैं पहले भी छोड़ कर आया था और इस बार भी वहीं पर छोड़ कर आएंगे गाइस। ठीक है, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं पा रहा है, लोड ले रहा है थोड़ा सा ट्रैक्टर मेरा। भाई ये वाला ट्रैक्टर लोड लेने लग गया तो सोचो क्या होगा भाई, फिर इतना पावरफुल ट्रैक्टर परचेज किया था मैंने सिर्फ इसी वजह से कि ताकि हैवी से हैवी आइटम जो है ना मैं यहाँ पर उठा पाऊँ। अभी ठीक आ गया अपनी स्पीड पे और अभी ठीक भी चल रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए बस चलते रहते हैं, जस्ट सामने पे ही छोड़ना है अपने को इसको ना, तो वहाँ पर छोड़ करके देखते कितना पैसा इससे मिलता है और उसके बाद चलते गाइस फिर एक बढ़िया सा हार्वेस्टर परचेज करने के लिए। इसको ना अंदर ही ले जाकर छोड़ देते हैं भाई, नहीं तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। अभी सारा का सारा यहीं से सेल हो जाएगा, देख रहे हो बेफालतू में मैंने ना वहाँ पे बाहर उतार दिया उसको। ये देखो सेल हो गया, 57,000 यूरोज मिल चुके हैं भाई, सीरियसली इतने से आइटम सेल करने के। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा लेंगे, अपना ट्रैक्टर बहुत पावरफुल है भाई, कहीं भी चढ़ जाता है। ट्रैक्टर नहीं है भाई, पता नहीं क्या ले लिया मैंने, सीरियसली कुछ भी कर देता है भाई से, कुछ भी, इतना पावरफुल ट्रैक्टर है सीरियसली। चलो ये हो गया अपना काम एंड थोड़ा सा मेरे को आगे लेना पड़ेगा क्या, चलो मुड़ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था ना यार एक्चुअली में, तो फिर टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा मोड़ने में। बाकी चलो अभी फिलहाल के लिए इस वाले ट्रैक्टर को पहले मैं जरा घर पे छोड़ देता हूँ एंड उसके बाद चलते एक हार्वेस्टर लेने प्यारा सा। और मैं सोच रहा हूँ इसमें जो भी सबसे टॉप वाला हार्वेस्टर होगा ना वो वाला परचेज करेंगे, क्योंकि देखो अभी ना मेरे को स्पीड मैटर करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार काम जल्दी जल्दी हो जाएगा ना
तो फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा काम होने में उतनी ज्यादा हम भी पीछे रहेंगे। तो इसलिए अब की बार हम जो है ना बहुत ही बढ़िया सा एक हार्वेस्टर लेंगे जो यहाँ पर अपना स्पीड में वर्क कर पाए। बाकी कोई एक अच्छा सा हेडर ले लेंगे। भाई हेडर भी तो बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं यार आजकल, क्या करे भाई। मतलब हेडर ही कम से कम 5-5 लाख यूरोस के आ रहे हैं यार, तो बंदा काम कैसे करेगा? मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है यार। इस गेम में ना ग्राइंडिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। बाकी ग्रीन हाउस ना मैं सोच रहा हूँ यार और बना दूंगा बहुत सारे, ताकि हमने यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से ग्राइंडिंग वगैरह कर पाए। फिलहाल के लिए हार्वेस्टर पे चलते हैं, हार्वेस्टर के लिए चेक करते हैं यहाँ पर कौन सा हार्वेस्टर सही रहेगा। तो हार्वेस्टर में सबसे टॉप वाला हार्वेस्टर कौन सा है? ये है भाई, और ये अपने को पड़ रहा है 4,90,000 यूरोस का। सीरियसली बाकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी शायद से इसी की होने वाली है। हाँ देखो सबसे ज्यादा कैपेसिटी भी जो है ना गाइस इसी की है, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से तो किसी की नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे कोई सेल चल रही है क्या? सेल तो चल रही है, लेकिन ऐसे वाला टॉप लाइनर तो अपने पास ऑलरेडी है, तो उसको लेकर कोई फायदा नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्पीड वाला गाइस यही वाला हार्वेस्टर लग रहा है मेरे को, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो एक काम करते हैं इसको परचेज कर लेते हैं, एंड इसमें यहाँ पर ना ये सारी चीजें चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बिग स्मॉल का कुछ सीन है, तो ठीक है बिग वाला ले लेते हैं। एंड व्हील ब्रांड वगैरह कौन सा है इसका? व्हील कोई अच्छा वाला भी है क्या? इसमें हैवी वाला व्हील चाहिए मेरे को, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे व्हील्स के सेटअप कर सकता हूँ मैं, तो व्हील्स के सेटअप भी कर लेते हैं। यहाँ पर दो ही व्हील के सेटअप है, व्हाइट टायर्स, ठीक है तो व्हाइट वाले ले लेते हैं ताकि जो ग्रिपिंग है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो फटाफट से इसको परचेस करते हैं, एंड ये पड़ रहा है अपने को 4,00,000। अब भाई अब तो और ऊपर हो गया, मतलब 5,00,000 यूरो जी समझ लो, ठीक है। तो ये वाला मैंने फिलहाल के लिए परचेस कर लिया है। बाकी उसके हेडर्स के कॉम्बिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर 4 हेडर्स हैं, एंड चारों हेडर्स तो देखो अभी नहीं चाहिए मेरे को, अभी मेरे को सिर्फ ये वाला हेडर चाहिए। तो ये वाला हेडर एक परचेस कर लेते हैं, ठीक है। 90,000 यूरोस का है भाई ये भी। सीरियसली मतलब सोचो यार हेडर्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए यार, हेडर्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, बट ठीक है अपने को चाहिए अभी तो ले लेते हैं फिलहाल के लिए। एंड हाँ मैं क्या बोल रहा था ना, आज मेरे को यहाँ पे वीट वगैरह हार्वेस्ट करनी है, तो वो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे वीट का हार्वेस्टिंग वाला सीजन चल रहा है नहीं चल रहा। अगर चल रहा होगा तो हार्वेस्टिंग कर लेंगे, अभी तो नहीं चल रहा है वीट हार्वेस्टिंग। बट अगर मैं यहाँ पर एक दिन स्किप कर दूं तो शायद से यहाँ पे हार्वेस्टिंग का सीजन आ जाएगा, लेकिन वो भी बाढ़ लेकर आएगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलो अभी फिलहाल के लिए हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। एंड देखो आज की प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, 51,000 यूरो। सीरियसली भाई आज की इनकम अपने को मिली है 51,000 यूरोस। यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कहीं पे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये देखो मई की जो अपने को मिली है वो मिली है 51,000 यूरोस, एंड 64,000 यूरोस का हमने प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड करा है। और प्रोडक्ट सोल्ड करा है मतलब जो हमारी यहाँ पर वो सेल हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सबको अकाउंट कर रहा है, तो वो हमने करी है 64,000 यूरोस की। बाकी और कुछ भी करा है क्या मैंने? नहीं, और कुछ तो नहीं है फिलहाल के लिए, इतना ही था, ठीक है। चलो अभी फटाफट से चलते हैं जा करके पहले अपना ना हार्वेस्टर निकालते हैं, और उसकी हेल्प से जा करके वो कोई एक नया फील्ड पहले परचेस करते हैं, फिर उसको जाकर हार्वेस्ट करते हैं। तो देख रहे हो भाई, ये पहले ना मेरे को लीज पे मिला करता था जब मैं यहाँ पर वो लेता था कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, लेकिन अब देखो गाइस हमने अपना खुद का एक हार्वेस्टर खरीद लिया है, और इसकी हेल्प से ना हम अब बहुत बड़े बड़े फील्ड्स को इजिली हार्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी यार ये हेडर अभी भी मेरे को छोटा लग रहा है, काश मेरे को यहाँ पे बड़ा हेडर मिल जाता है इससे ज्यादा, तो मेरा काम थोड़ा सा और जल्दी हो जाता। फिलहाल के लिए मेरे को यार फील्ड्स वगैरह चेक करने हैं, तो एक काम करते हैं पहले फील्ड्स परचेस कर लेते हैं कुछ, एंड जहां पर अपना वीट लगा होगा ना वही वाला परचेस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा यार। रुको, तो गाइस देखो यहाँ पर ना 37, 60, 62 ये वाले जो अपने बाड़ले के फील्ड्स है, तो ये मेरे को हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इनको परचेस कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओ भाई ये तो 62 है, पूरा का पूरा ही परचेस करना पड़ेगा। क्या करा जाए, इसको परचेस करा जाए? चलो कर लेते हैं यार, परचेस कर लेते हैं, वापस तो करने ही हमने, वैसे भी कौन सा अपने पास ही रख के रखना है। एक ये परचेस करना पड़ेगा और एक ये परचेस करना पड़ेगा, तो इसको भी परचेस कर लेते हैं। भाई इतने पैसे नहीं है अब मेरे पे, ठीक है, बस थोड़े से पैसे बचे हैं, और ये भी परचेस कर लेते हैं। अभी कितने पैसे बचे हैं? अभी भी 6,00,000 यूरोस मेरे पास है, तो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात है नहीं। बाकी यार मेरे को ना इसका वो चाहिए था यार, जिसके ऊपर मैं इसको रख कर ले जाता, लेकिन क्योंकि देख रहे हो इतना बड़ा, अगर मैं इसको ऐसे लेकर जाऊंगा तो कहीं किसी गाड़ी को ठोक देगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ शॉर्टकट से लेकर चलते हैं इसको। एंड वैसे सही तो लग रहा है यार काफी ना, देख रहे हो कितना जियांट साइज का है यार, काफी अच्छा लग रहा है। अंदर से इसकी अगर मैं लुक की बात करूं तो अंदर से इसका लुक काफी ज्यादा प्यारा है। अपना फोरेज हार्वेस्टर तो बहुत छोटा है भाई इसके सामने, ये तो काफी ज्यादा बड़ा हार्वेस्टर लिया है हमने। वैसे फोरेज हार्वेस्टर कुछ और काम करता है, ये कुछ और काम करता है, तो डिफरेंस तो बहुत है एक्चुअली में ना, बट ठीक है अच्छा लग रहा है यार ये मेरे को काफी ज्यादा। अगर मैं इसका पाइप आउट वगैरह करूँ तो वहीं पर जाकर करेंगे भाई, अभी नहीं कर रहे, वहीं पर जाकर करेंगे डायरेक्ट। एंड अभी सीधा सीधा ही चलना है ना अपने को, हाँ शायद से सीधा सीधा ही चलना है, ये वाला रास्ता है जो अपने को वहाँ पर लेकर जाएगा डायरेक्ट ना।
तो गाइस जो इसकी स्पीड है ना सीरियसली वो बहुत ही ज्यादा तेज है। जो मेरा दूसरे वाला टॉप लाइनर है ना भाई वो तो चल भी नहीं पाता है, और इसको देखो भाई ये दौड़ रहा है, सीरियसली ये दौड़ रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम है यार, मैं ना इसका वो लेकर नहीं आया जिसके ऊपर मैं इसका हेडर रख सकता था। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार इसको ले जाने में ना, कहीं पेड़ आ जा रहा है कभी कुछ आ जा रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से ले जा नहीं पा रहा हूँ। एंड यहाँ देखो भाई अब मैं यहाँ से कैसे लेकर जाऊँ इसको, जाएगा क्या यहाँ से भाई ये ना नीचे ना लग जाए यार, मेरे को ना मेंटेनेंस करानी पड़ जाएगी अपने इस नए टॉप लाइनर की। चलो ठीक है ठीक है भाई, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे वैसे इसके टायर्स वगैरह लगाए हैं अच्छे वाले, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाए। ठीक है फिलहाल के लिए कितनी दूर जाना है अभी, इसके बाद एक फील्ड आएगा। अच्छा ठीक है बस पहुंच ही गएगा इस ऑलमोस्ट ना, ये जो सामने दो फील्ड दिख रहे हैं ना भाई ये तो बहुत ही छोटे छोटे फील्ड हैं, ये तो ये ऐसे ही कर देगा काम इस पे तो भाई, बहुत छोटे फील्ड है यार। मुझे लग रहा है लोगों ने ना इस बार फसल उगाई नहीं वीट की, या तो इनको पैसा नहीं मिल रहा इस बार शायद से इस वजह से, बट इन्होंने उगाई नहीं यार, बहुत कम फील्ड है इस बार ना, नहीं तो पहले तो बहुत सारे फील्ड होते थे जहाँ पर वीट वगैरह उगी रहती थी। चलो ठीक है फिलहाल के लिए एक काम करते हैं ना, पहले मेरे को क्या करना है, अनफोल्ड करना है इसको, अनफोल्ड करते हैं अब देखना गाइस इसका जायंट साइज असली भाई साहब, बड़ा सा बड़ा साइज है यार ये तो बहुत। अभी क्या करना है मेरे को, अभी मेरे को इसका हेडर को लोअर करते हैं एंड थोड़ा सा आगे करते हैं और इसका ना हार्वेस्टर स्टार्ट करते हैं गाइस। थोड़ी देर अपना आप चलाते हैं यार, खुद भी तो चलाना चाहिए यार, थोड़ा सा मज़ा आता है यार, इतना हार्ड अर्न मनी है अपना, इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और इसको हम नहीं चलाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो चलो इसको थोड़ी देर चलाकर देखते हैं, बाकी इसका कैमरा चेंज करता हूँ, पहले इस मोड में चलाते हैं इसको, बस यार वहाँ से थोड़ा सा आउट ना हो जाए, आउट हो गया ना तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगी, फिर मेरे को वापस से चलाना पड़ेगा इसको। एंड देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है अपना, और वो दूसरे वाला टॉप लाइनर होता ना अपना मेरा पुराने वाला, तो मेरी बैंड बजा चुका होता वो। बाकी यार इसको देख रहे हो थोड़ा सा ऐसे करके चलाता हूँ, नहीं तो जो मैं सोच रहा हूँ ना वही होगा भाई, आधा छूट जाएगा आधा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को ऐसी तरीके से काम करना पड़ेगा। दो मैक्सिमम दो चक्कर में ये पूरा का पूरा हार्वेस्ट हो जाएगा भाई, मैक्सिमम दो चक्कर में बस। तो एक काम करता हूँ इस पर AI लगा देता हूँ, एंड यहाँ से ना अपना ट्रैक्टर लेते हैं और यहाँ पर से उसको लेकर चलते हैं अपने क्या कहते हैं ट्रेलर को, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आइटम भी तो लेकर आना पड़ेगा ना अपने को। तो इसको मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और कम से कम दो फील्ड तो आज हार्वेस्ट कर ही देते हैं यार एटलीस्ट अपने को, ताकि अपने जो चिकन्स है ना वो थोड़े बहुत अंडे अपने को दे दे। इतना फिलहाल के लिए हम खाना ले आते हैं इनके लिए। एंड सही बताऊँ मेरे को वैसे अंडों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाने की ज़रूरत मेरे को है, एंड मुझे पता है कि 4-5 महीने के बाद ना मेरे को खाना मिलने वाला है वापस, तो इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ अभी खाना ले आता हूँ इनके लिए, एंड इसको ला करके ना स्लियो में डालूंगा, जब मेरे अंडे ख़त्म हो जाएंगे तभी मैं इनको खाना दूंगा भाई, नहीं तो मेरा ना सारा का सारा खाना ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा हमेशा। तो इसलिए ठीक है इस तरीके से काम करेंगे फिलहाल के लिए, ये वाला रास्ता जाएगा ना भाई शायद से, मेरे को लग तो रहा है रास्ता तो ये वाला जाना चाहिए, ये सीधा आएगा फिर उसके बाद इधर जाना पड़ेगा। ठीक है चलो इससे चल लेते हैं, ये वाला रास्ता भी अपने को वैसे ही वहीं पर लेकर जाने वाला है भाई। इसने देखो मैंने कहा था ना आधा पेड़ ये कर भी देगा, कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है भाई ये। मैं अपने दूसरे वाले अगर टॉप लाइनर को यहाँ पर लेकर आऊंगा ना भाई वो तो आधा टाइम आने में निकाल देगा यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर उसको लेकर नहीं आया फिलहाल के लिए। थोड़ा सा पास चलते हैं, देखते हैं ये अपना पाइप वगैरह खोलता है या नहीं, अगर पाइप खोल देगा तो अच्छी बात है, पाइप खोल दे भाई, देख यहाँ पर मैं आ गया हूँ। हाँ भाई खोल दिया, नाइस नाइस। अरे 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 एक सेकेंड, ये लो मैं भी यहाँ पे इसके पीछे लगा देता हूँ थोड़ा सा बस यहाँ पर, ठीक है। एंड इसमें मेरे हिसाब से इस पूरे फील्ड का सारा आइटम आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड इसके अंदर बहुत सारा आइटम आता है एक्चुअली में ना। भाई मोड़ना पड़ेगा क्या भाई, यहीं पर रुक जा थोड़ी देर, सारा का सारा डाल लेते पहले उसको, उसके बाद चला लिए उसे। चलो ठीक है अभी फिल कर रहा है, चलो भाई ये तो पूरा का पूरा हो गया। और एक काम करते हैं अब इस वाले हार्वेस्टर को ना पीछे वाले उस पर लगा देता हूँ फील्ड पे, मैंने कहा था ना भाई ये वाला हार्वेस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा, इतनी जल्दी जल्दी काम करता है ना, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ यार थोड़ी देर और रुकता हूँ, ये वाला जो फील्ड है ना इस वाले फील्ड को भी हार्वेस्ट होने देते हैं और इसके एक ही साथ चलेंगे सारा आइटम लेकर के ना। अभी वैसे भी अपना पूरा का पूरा ये तो खाली पड़ा है, मैं ही कर दूँ क्या हार्वेस्ट वाला, मैं खुद ही कर देता हूँ यार रुको, मेरे को भी चलाने का मन कर रहा है यार इसको, बहुत सही है क्योंकि ये इसको मैं स्टार्ट करता हूँ एंड लेट्स गो गाइस लेट्स गो। एंड देखो भाई अब मैं प्रो बंदे की तरह चलाऊंगा बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल प्रो बंदे की तरह चलाऊंगा, कुछ भी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। बस यही है कि थोड़ा बहुत हैंडलिंग में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ना सही से हैंडल नहीं कर पाता अभी इसको, बट ठीक है कोशिश करेंगे कि सही से हैंडल कर लें। भाई कितना परफेक्टली काम कर रहा है देख रहे हो यार, सीरियसली यार अगर ये मैंने पहली परचेज कर लिया होता ना तो मेरा काम जो है पहले ही बहुत इजी हो जाता, बट ठीक है नहीं करा क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए, इसको यहाँ पे मोड़ लेता हूँ। नाइस
ठीक है, इसको ऐसे मोड़ते हैं एंड लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अब इसको यहाँ से करते हैं, बिल्कुल एक चकोर तरीके से करेंगे, ठीक है, अपना काम भी थोड़ा सा सही तरीके से हो जाएगा उस ऐसे में ना। ये लो, ये भी हो गया। बाकी जो यहाँ पे गाइस ये वो पड़ी हुई है ना सारी की सारी, मतलब जो फसल मैं काट रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसका स्ट्रो बनाएंगे। तो फील्ड अभी मैं अभी नहीं सेल करूंगा इसको, फिर कभी सेल कर लेंगे। अभी ना मेरे को एक बेलर लेकर आना पड़ेगा जो मेरे लिए यहाँ पर बेल वगैरह क्रिएट कर देगा, एंड उन बेल को ना मैं ले जाकर के अपनी काउ को खिलाऊंगा। ठीक है, काफी टाइम हो गया यार मैं सोच रहा था, एंड हमारे एक सब्सक्राइबर तो है भैया जो मेरे को हर चीज बताते रहते हैं कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो थैंक यू ब्रो, तुम मेरे को यार इतना सब चीजें बताते हो। वैसे मेरे को भी पता है, लेकिन आप रिमाइंड करा देते हो तो मेरे लिए काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए लो, इधर वाला काम भी हो चुका है। भाई ये फील्ड इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, सीरियसली देख रहे हो इतनी जल्दी जल्दी हार्वेस्ट हो रहे हैं, मेरे को ज़्यादा देर मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। बाकी एक बार मैं सीधा भी चला सकता हूँ इसको, बट ठीक है चलो कोई ना, ऐसे में भी चला देते हैं एक बार, ऐसे चलाना सही रहेगा, चलो ऐसे चला देते हैं। ठीक है भाई, इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना सीरियसली, आज तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हार्वेस्ट करने बैठ गया हूँ खुद, वरना मैं कभी हार्वेस्टिंग वगैरह या सीडिंग वगैरह करता नहीं हूँ, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है एंड पर्सनली मेरे को ना पसंद भी नहीं आता है काम। बट अभी मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि अब मेरे पास बड़ा वाला हार्वेस्टर है एंड ये बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है इसी वजह से। अभी फिलहाल के लिए भाई मैं AI को हायर कर देता हूँ उस पर, ठीक है, अपना AI है जो तब तक कर देगा इस काम को। तो गाइस ऑलमोस्ट जो हार्वेस्टिंग है अपने वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड भाई वो देख रहे हो वहाँ से हॉर्न मार रहा है भाई हटाने को, भाई हटा रहा हूँ यार रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है। फिलहाल के लिए यार मेरे को ना जल्दी से ये सारा का सारा बार्डलेस के अंदर भरना है, और इसको ले जाकर के मेरे को पहले तो छोड़ना है उस सिलियो में अपने, एंड उसके बाद ना गाइस मेरे को वहां से यार वो भी लेकर आना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं अपने हेडर को ना चला पाऊँ, क्योंकि मेरे को ना इसको वहां पर भेजना है यार दूसरे फील्ड पे ना। यहां का तो सारा का सारा काम इसने कर दिया क्योंकि, तो अब इसको दूसरे वाले फील्ड पे भेजेंगे और इसको ना वहां पर लगाएंगे। फिलहाल के लिए पाइप पाइप आउट मारता हूँ एंड आ जाएगा इसके अंदर सारा आइटम। भाई इसका तो पाइप इतना लंबा है भाई, इतना लंबा पाइप है यार सीरियसली, इसका तो हैंग कर की पूरा का पूरा आगे निकल गया भाई वो लेकर के, यहाँ पर आ जाएगा परफेक्ट। चलो अभी ये काम हो जाए जल्दी से, उसके बाद बस मेरे को वहाँ से इसका टूल लेकर आना है जिसके अंदर मैं हेडर रख पाऊँ बस, उसके बाद इसका ना इसको यहाँ से लेकर चलते हैं। ठीक है, देख रहे हो भाई सिर्फ 61% आया भाई, सिर्फ 61%, मतलब मैंने इतने लाख यूरोस खर्च कर दिए सीरियसली, एंड स्टिल यहाँ पर मेरे को 60% बार्डले मिला है। मैंने सोचा था ज़्यादा मिल जाएगा बट नहीं मिला गाइस अपने को। यही को बोल देता हूँ जो मेरा ट्रैक्टर है ना मेरे फार्म तक ले जा ले, तब तक जरा मैं काम करता हूँ ना। मैंने यहाँ पर एक फील्ड और परचेस किया था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, अभी तो मैंने यही दो किए हैं सिर्फ। यहाँ पर मैंने एक और परचेस किया था ना, ये वाला परचेस किया था भाई 37 वाला शायद से, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है मैंने करा था परचेस, नहीं करा था एक सेकेंड, हाँ भाई ये वाला भी तो परचेस करा है, मैं कैसे भूल गया। फटाफट से शिफ्ट मारते हैं एंड इस वाले टॉप लाइनर को ना वहाँ पर लगा देता हूँ, और ये वाला टॉप लाइनर ना तो वहाँ पर भी जाकर हार्वेस्ट कर देगा। उसके बाद वो जो दूसरे वाले फील्ड्स हैं वहाँ पर क्या मैं अपना दूसरे वाला टॉप लाइनर भेज दूँ यार? एक तो उसमें से ना मेरे को सामान ही सारा का सारा बार बार भेजना पड़ेगा घर पे एक्चुअली में ना, क्योंकि उसका जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं भेजना चाह रहा हूँ यार। यहाँ पर ना इतने सारे पेड़ है सीरियसली, मेरे को पूरा का पूरा इसको घुमा कर लेकर आना पड़ रहा है बस इतनी सी जगह पर आने के लिए, देख रहे हो सिर्फ इतनी सी जगह पर आने के लिए पूरा का पूरा घुमा कर लेकर आया हूँ मैं इसको। फिलहाल के लिए इसको लगा देते हैं यहाँ पर। अब वो नल्ला पता नहीं कहाँ जाकर अटका होगा, उसको भी देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आगे पे ना एक और पुलिया है भाई, वो वहाँ पर ना अटक गया हो। ठीक है, एक बार मैं जा करके देख लेता हूँ उसको, वैसे मुझे लग रहा होगा वो अटक गया। ओ पहुँच गया भाई, क्या परफेक्ट टाइम पे आया भाई, मैं तो बस सोच रहा था ये अटका देगा। ओ भाई 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 रुक जा तू, तेरे बस का ना है, तू हट जा यहाँ से, मुझे पता है तू क्या करेगा तू बेड़ा गरक करेगा खाली भाई। एक काम करते हैं ना, इसको सीधा यहाँ से ले जाते हैं और अपने साले सिलियो के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़ा करते हैं चलो इसको फिलहाल के लिए, एंड ये लो इसको यहाँ पे सारा ओवरलोड मार देता हूँ बस इसके अंदर ना, ये बाढ़ ले जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी आइटम नहीं है भाई, काफी टाइम हो गया क्योंकि मैं कुछ उगा ही नहीं रहा हूँ, और उगा भी रहा हूँ तो या तो मैं अपनी शिप्स को खिला देता था, या मैं अपनी गाय को डाल देता था, या फिर मैं अपनी चिकन्स को डाल देता था, तो मेरे पे कुछ भी आइटम नहीं है मेरे सिलियो में ना आपकी बार। फिलहाल के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इसमें कुछ तो ना दूसरा जुगाड़, नहीं तो यार ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। मैं कब तक ऐसे जा करके दूसरे फील्ड पे हार्वेस्ट करता रहूंगा ना, कुछ मेरे को ऐसी चीज चाहिए इसमें जहां से मेरे को इनफिनाइट जो है ना वीट मिलता रहा, या तो कुछ ऐसा सोर्स मेरे को बनाना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करेंगे। फिलहाल के लिए इस वाले ट्रैक्टर को मैं वापस से भेज देता हूँ, एंड पहले जरा मैं केक्स डिलीवर कर देता हूँ, और उसके बाद वहाँ से अपना हार्वेस्टर भी लेकर आना है, तो हार्वेस्टर भी लेकर आएंगे, लेकिन जरा पहले
केक्स वगैरह वाला काम कर लेते हैं, देखते यार कितना प्रॉफिट होता है अपने को ना। अगर अच्छा प्रॉफिट होगा ना तो मैं अपनी केक की जर्नी को जारी रखूंगा, नहीं तो फिर कुछ और बनाने का ट्राई करेंगे, ब्रेड वगैरह सेल करके देखेंगे। वैसे मुझे जहां तक पता है यार अपने को जो पैसा है ना वो केक में ही ज्यादा मिलता है, नहीं तो मैं देखूंगा थोड़ी बहुत ना इकोनॉमिक्स वगैरह और चेक करूंगा गेम की, अगर जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट लगेगा ना फिर वाला धंधा भी स्टार्ट करेंगे। वैसे इसमें कारपेंट्री का भी बिजनेस है गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ कारपेंट्री का भी बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट कर देते यार, उसमें भी काफी अच्छा पैसा मिलता है। बट देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत उसमें मेहनत कितनी है, कहीं मेहनत ज्यादा ना हो यार, कहीं मेहनत ही मेहनत करनी पड़ रही और पैसा ना मिले उतना ना, जैसे अभी केक के साथ हो रहा है। मतलब मैंने ये तो देखा था कि पैसा बहुत मिलता है, बट मेरे हिसाब से तो पैसा मुझे इतना नहीं मिल रहा जितना मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। फिलहाल के लिए इसकी टिप साइड चेंज करते हैं और इसको मैं ऑटो लोड पे डालता हूँ, बाकी इसके यार वो भी तो चेंज करने पड़ेंगे। नाइस, चलो गाइस उठाते हैं इसको भी फटाफट से ना, होप सो यहाँ पर अच्छा पैसा मिल जाए इस बार मेरे को इसका ना। आजा भाई जल्दी से सारा, अबे आजा, अभी आता जा रहा है। वाह 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 गाइस, देख रहे हो अभी ना ये आता जा रहा है, तो वेट करते हैं भाई इसको पूरा का पूरा फिल करने का है ना। तो गाइस जितना मैक्सिमम आ सकता था वो आ चुका है फिलहाल के लिए, एंड अभी चलते हैं इसको सेल करने के लिए। भाई काफ़ी सारा आ गया यार ये तो, मतलब पहले से तो ज़्यादा आया है, पहले इतने केक्स नहीं आए थे, पहले मेरे को शायद से सिर्फ 3 or 4 ही पैलेट्स मिले थे, लेकिन इस बार तो काफ़ी सारे पैलेट्स आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे पैलेट छोड़ते हैं हम रेस्टोरेंट पे और उसके बाद देखते हैं इसका पैसा कितना मिलता है। भाई गिर तो नहीं रहा ना, एक सेकंड, हाँ अभी ठीक है भाई, कहीं गिर जाए इनका भरोसा नहीं भाई, पीछे से मेरे को पता भी नहीं चलेगा और सारा का सारा गिर भी जाएगा। फिलहाल के लिए इसको बिल्कुल अंदर की तरफ करके लगाऊंगा, लेट्स सी कि कितना ये अपने को देता है यहाँ पर। भाई पैसा 30,000 यूरोस तो मिल गए, एंड अब कितना मिलेगा, कितना मिल रहा भाई, 35,000 यूरोस और मिले हैं, बाकी इसको वापस से लोड मारते हैं। 72, 73, 74, तो गाइज इससे अपने को मिले हैं 74,000 यूरोस। तो अब मेरे को पता क्या लग रहा है, इस गेम में ना सबसे अच्छा पैसा कमाने का तरीका सिर्फ दो ही वाला है, एक तो मैं अपनी वेयर हाउस कह रहा हूँ, विंडमिल्स वगैरह बना करके काम चला सकता हूँ, ठीक है, और एक जो है ना मेरा यहाँ पर सबसे अच्छा काम है वो ग्रीन हाउस वाला है भाई, उससे मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है। बाकी गाइज अगर आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर किसी और तरीके से पैसा कमा सकता हूँ अच्छा खासा, तो मेरे को बताना, हम वो वाली चीज़ें भी ना ट्राई करेंगे। देखो क्योंकि केक से तो भाई मैंने देख लिया, केक से मुझे इतना कुछ खास पैसा नहीं मिला, मतलब पैसा ठीक मिल रहा है बट मेहनत भी तो बहुत ज़्यादा लग रही है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। फिलहाल के लिए इसको कनेक्ट मारते हैं, इसको लेकर चलते हैं यार, क्योंकि मेरे को ना वहाँ से हेडर को लेकर आना है। अब ये नहीं पता मेरे को हेडर इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, वो तो इसको ले जाकर ही पता चलेगा वहाँ पर, ठीक है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर मेरे को शायद से हेडर के लिए भी दूसरा टूल परचेज करना पड़ेगा यहाँ पर ना। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, एंड इसने भाई पूरा का पूरा जो फील्ड था वो भी हार्वेस्ट कर दिया है। अभी बस मेरे को इसको यहाँ पर छोड़ना था, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, बाकी इस ट्रैक्टर को ना थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ से मेरे को उसको हटाना पड़ेगा। बाकी मैंने यार अपने एआई को बोला था ना यहाँ आने के लिए, अबे नल्ले कहाँ चला गया, फिर अटक गया क्या कहीं पे? अबे यार भाई मैं तो इससे परेशान हो चुका हूँ भाई, सही बता रहा हूँ, मैं देख रहे हो इससे परेशान हूँ भाई, मैं इससे एक ट्रैक्टर नहीं चलाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या करेगा भाई, ये करेगा क्या, बिल्कुल पास मार्केट का पड़ा, ये नहीं कि थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँ, खुद का दिमाग नहीं लगाना इसने, बस जो रूट सेलेक्ट कर दिए उसी पे चलते रहो पागलों की तरह, हद कर रखी है भाई। बाकी फिलहाल के लिए जरा मैं यहाँ पर ना ये सारा का सारा आइटम जो है भर लेता हूँ, थोड़ा सा और रह गया है, ये भी ये कर देगा काम, फिर उसके बाद इसको दूसरे वाले फील्ड पे मैं काम करने के लिए भेज दूंगा। बाकी ये वाला जो काम है ना गाइस, इसका मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। याला हार्वेस्टिंग तो मैंने कर ही दी है, बस एक और फील्ड परचेज करेंगे उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में अगर मैं एक डे स्किप कर दूं तो क्या पता मेरे को वहां पर और नए फील्ड्स मिल जाए हार्वेस्ट करने को। एंड नेक्स्ट एपिसोड में ना कुछ और भी करेंगे, खाली इतने से काम पे नहीं रुकेंगे, कुछ और डिफरेंट मैं सोच रहा हूं बनाने की, तो वो सब चीजें करेंगे। तो इस वाले एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं, आई होप ये वाला एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जाकर के लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। ओके गाइज, बाय बाय।